कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति ब्रजदेवी सत्यवतई नम्याद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बोले श्री गुरुपाद पद्म की सपरिकर गौर हरि की हलांड के भक्त वृंद की जय। हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है। कितना प्रश्न किया था? पहला प्रश्न किया था, पहला प्रश्न में 3 प्रश्न था। कौन बोलेगा आज बताओ, जोर से बोलो। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? और दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ बोलो क्या था? जीवों का जितने सारे धर्म में है, देश धर्म, जाति धर्म, पति धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, ये सारे धर्म में जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? ऐसे दुनिया में क्या वक्ति है, वस्तु है, जो मिलने से सब चीज, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, जीवन में हमें किसी चीज की बाकी नहीं रह गई? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या था? कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए कल हम लोग इसी विषय के ऊपर में हम श्रवण कर रहे थे और हमारे भक्त लोगों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुना रहे थे। आज भी हमारे भक्त लोग कुछ अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। आज बहुत सारे भक्त लोग प्रिपरेशन होकर के आए कथा सुनाने के लिए। हाँ सब प्रिपरेशन होकर के आए हैं। हाँ इसलिए बोले कलयुग के बल ना माधारा सुमेरे नारौत रही पारा। इसलिए कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम है। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। ठाकुर जी को पता था ये कलयुग का जीव और कोई धर्म कर्म कर ही नहीं सकते हैं, है? इसलिए सबसे सरल उपाय रख दिया भगवान का नाम जप करो। आप लोगों ने अजामिल का नाम सुने हो, है? ये अजामिल ने उन्होंने जब भगवान का नाम जप किया, भगवान का जो नाम लिया, देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है, कितने शक्ति भगवान का नाम पर। उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था, हाँ? बेटा का नाम नारायण रख लिया था। और मरते समय हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए। लेकिन वो जमदूतों को देख करके इतने डर गया उसने, अपना बेटे को उसने बुलाया नारायण, उसमें था नारायण, उसमें था 4 अक्षर। इतने में 4 विष्णु तो आ गए, एक तरफ में 3 जमदूत, दूसरे तरफ में 3 विष्णुदूत, और दोनों में घमासान लड़ाई हुई, बड़ी जोर जबरदस्ती लड़ाई हुई। ये अजामिल को कौन ले जाएगा? विष्णुदूतों ने पूछे,
तुम लोग है कौन? बोले हम धर्मराजा का दूध है। जम महाराज का एक नाम धर्मराज है। बोले हम धर्मराजा का दूध है। बोले यहाँ किस लिए आए हो? बोले अजामिल को लेने के लिए हम आए। विष्णु दूत ने कहा धर्म का नाम पर अधर्म करने आए हो। नाम तो कह रहे हो धर्मराज का, लेकिन आए अधर्म के लिए। जमदूत ने कहा आपको पता है ये कौन है? आपको पता है ये कौन है? इसलिए इसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। इसकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, बड़े कम उम्र की बड़ी सुंदरी पत्नी थी, लेकिन उसने अपना पत्नी को त्याग देकर एक वेश्या को साथ में जीवन बिताया और उससे 10 बच्चे जन्म हुए। और वो वेश्या को हाथों में इसने जितने उल्टा पुल्टा चीज खाया, उसका हाथ में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन शराब, ऐसे कोई गंदी चीज नहीं था जिसने वो खाया नहीं, सारे उन्होंने गंदी चीज खाए। फिर 10 बच्चे हो गए। अभी ये बच्चों को पालन करने के लिए इसने जितने तरह का चोरी गुंडागिरी बदमाशी सारे पाप उसने किया है। आपको पता है ये सब क्या किया इसने? इतने में विष्णु दूत ने कहा भैया हमको पता है इतने पाप किया, लेकिन धर्म तो कुछ किया, पुण्य भी कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले मरते समय भगवान का नाम लिया, नारायण नाम लिया। बोले वाह, सारा जीवन भर पाप करते रहो और मरने से पहले एक बार नाम ले लो, बस मुक्ति, इसलिए उसको उद्धार हो जाएगा। तब विष्णु दूत कहते हैं बोले मूर्खों, तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति, तुम्हें पता है? उन्होंने उदाहरण दिया जैसे रूई का एक पर्वत हो, नहीं तो भूस का एक पर्वत हो, अगर उसमें आग की केवल एक चिंगारी पड़ जाए वो क्या करेगा? पूरा रूई को पूरा भूस को जला करके वो राख बना देगा। केवल एक आग की चिंगारी में इतने शक्ति है। और जो भगवान का जो नाम है, इसलिए मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम श्री राधे राधे। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम श्री राधे राधे। साड़ी खेचत हारा दुशासन, साड़ी खेचत हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लंग सके ना बिनाई फूल के राम श्री राधे राधे। जिस सागर को लंग सके ना बिनाई फूल के राम श्री राधे राधे। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल का जरूरत पड़ा, लेकिन हनुमान के नहीं, हनुमान केवल श्री राम बोले और सारे समुद्र को लंग गए। द्रौपदी को जब उसने भगवान को पुकारा, भगवान साड़ी रूप में प्रकट हो गए और दुशासन का सारे शक्ति खत्म, लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए भगवान का नाम में इतनी शक्ति है।
अभी जमदूत कहते हैं, बोले उसने भगवान को कब पुकारा, उसने भगवान को पुकारा कब, वो तो अपना बेटे को पुकारा था। नारायण जो नाम लिया भगवान को थोड़ी लिया, वो तो अपना बेटा का नाम लिया था। अपना बेटा का नाम नारायण लिया था, भगवान को पुकारा कब। तब श्री जमदूत कह विष्णुदूत कहते हैं, देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है। बोले देखो वो नाम है किसका, नारायण का नाम नारायण का है, लेकिन दी गई थी वो बेटे को, लेकिन बेटा का नाम नारायण नहीं, नारायण तो भगवान का नाम है, हैं? उसको दी गई थी। तब विष्णु तो कहते हैं जब उसने अपना बेटा का नाम के बोला नारायण रख लिया था ना, उसको उधार हो गया था, सारे पापों से उसको मुक्ति मिल गई थी। लेकिन उसने जब बेटे को बारंबार बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा बेटा नारायण अब पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ, जैसे बोलते हैं ना, वो होता है जैसे माला जप करते हैं ना, जैसे हम माला जप करते हैं हरे कृष्ण नाम, ये हो गया उसका माला जप हो गया। लेकिन अंतिम समय में जो भगवान को उसने नाम लिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हैं? बोले जन्म जन्म मोनी जाता ना कराई, जन्म जन्म मोनी जाता ना कराई, अंतराम कही आबत नाई, जन्म जन्म मोनी जाता ना कराई। देखो ये प्यार में दो अर्थ है, बहुत बढ़िया बात बताए गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत अच्छी बात बताए। कोई बोलेगा सारा जीवन जो कुछ करना करो और मरने से पहले एक बार भगवान नाम ले लो, जो जीवन में जो कुछ करना कर लो और मरने से पहले क्या करो, एक बार भगवान का नाम ले, उधार हो जाएगा। ये सारा जीवन ये हरे कृष्ण करने का क्या जरूरत है, अभी से क्या जरूरत भगवान का नाम करने का, और मरने से पहले एक बार ले लेंगे। गोस्वामी जी कहते नहीं, इतने आसानी नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये मुनि लोग सारा जीवन भजन क्यों करते हैं? अब देखना बच्चा, जैसे कोई सीए कर रहे हो, कोई डॉक्टरी कर रहे हो, कोई पीएचडी कर रहे हो, कितना साल पढ़ना पड़ता है तुम्हें, 20-25 साल पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब एग्जाम दो ना, जो नौकरी मिलेगा, एक दो घंटा आपको एग्जाम होगा उसमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक दो घंटा एग्जाम के लिए तुमको कितना साल पढ़ाई करना पड़ा, 20-25 साल तक तुमको पढ़ाई पड़ा है। जो लोग मृदंग ये बजाते हैं ना, तबला बजाते हैं, लास्ट में केवल 5-10 मिनट उनको कभी टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए 5-10 साल लगता है। वही 5-10 मिनट से जो एग्जाम होता है ना, उसको पास करने के लिए 5-10 साल तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, हैं? तभी जा करके वो एग्जाम में पास होता है। इसलिए अभी बचपन में जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, बचपन से वो अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलेगा। अभी रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा, रील में तो सारा दुनियादारी को भर दिया, भगवान का नाम तो बचपन से लिया ही नहीं, पर अंतिम समय पर भगवान का नाम कैसे आएगा। देखो एक समय एक माता जी अंतिम लेट सज्जा में लेट हुई थी। हमारा भारतीय संस्कृति सब जानते हैं, जब तक भगवान का नाम नहीं लेना जीव को उद्धार नहीं होता। अंतिम समय में सज्जा में लेट हुई और दैयारे मैयारे बोल रही हैं, बोलिए बेटे को देख लेना, वो बहू को देख लेना, वो बेटा को संपत्ति दे देना, बेटी घर के लिए ये चीज दे देना। लेकिन उसको जो नाती थे ना, बड़े चतुर थे, बोले दादी जी एक बार तो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल दे। बोले मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, क्यों जिंदगी भर तो किया नहीं भगवान का नाम। वो बोले मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, लेकिन वो नाती पोती बड़े चतुर थे, किसी तरह से दादी के मुंह से एक बार भगवान का नाम को निकलवाना चाह रहे थे। बोले दादी ये बताओ तेरे मुंह से क्या नहीं निकलेगा, तेरे मुंह से क्या नहीं निकलता है। वो सोच रहे थे, बोलेगा तो राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं निकलेगा। बोले तू जो चीज बुलवाना चाहते है ना, वही नहीं निकल रहा है, और सब निकल रहा है। हाँ? जो बुलवाना चाहते हो ना मेरे मुंह से, वही मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। इसलिए बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
जब ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जब जत्न करते हैं, पहले अंतराम कही, फिर अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से निकलेगा, फिर अंतराम कही, फिर आवतरणी, फिर जगत में उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। इसलिए भजन बचपन से करनी चाहिए, बचपन से आदत डालनी चाहिए, तब अंतिम समय में जाकर के भगवान के नाम मुंह से निकलेगा। एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए विष्णु दूत ने कहा, देखो भगवान का जो नाम है चार ही तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करता। बोले पहला, बोले सांकेत्यम। सांकेत्यम मतलब जैसे बच्चे का नाम कृष्ण रख लिया, राम रख लिया, है गोविंद रख लिया। इसलिए हम भारतीय संस्कृति, अब जितने पुराने सब लोगों को देखो ना, सारे पूछो, सारे पुराना बड़े बूढ़े को सब भगवान का नाम देखोगे, राम लक्ष्मण कृष्ण सीता गीता है। लेकिन ये अंग्रेजी सभ्यता आकर के हमें अभी बच्चे का नाम राम कृष्ण गोविंद नहीं रखते। बोले ये सब पुराना नाम था भगवान का। अभी टिंकी पिंकी टुल्लू पुल्लू जितने सब कुत्तों का नाम है ना, हाँ विदेश में जितने कुत्तों का नाम का, ये बच्चों का नाम सब कुत्तों का नाम धरवाते हैं। भले भगवान का नाम रख लेंगे कल्याण नहीं हो जाएगा? हाँ, इसलिए रखते थे। कम से कम बेटे को कितना बार दिन में बुलाते हैं? हर जितना बार बेटे को बुलाओगे उतना बार तो भगवान का नाम निकलेगा मुंह से ना। तो जितना बार भगवान का नाम निकलेगा तुम्हारा जीवा पवित्र, बच्चा का बच्चा भी उतना बार नाम सुनेगा, घर में भी भगवान का नाम उतना बार गूंजेगा सबका। इसलिए पहले सारे को सारे भगवान का नाम पर नाम रखवा करते, इधर उधर कोई नहीं नाम रखते थे, हैं। इसलिए बोले सांकेत्यम। दूसरा है पारिहास्यम। पारिहास्यम मतलब हंसी दिलाई करते हुए हरे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, ऐसे अगर नाम रख दिया उसका भी कल्याण हो जाएगा। हमारे श्री भक्ति जीवन जनार्दन महाराज प्रभुपाद का एक आश्रित बड़े सुंदर कथा सुनाते, देखो कितना भगवान का नाम में कितने शक्ति है। बोले एक घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो खूब भजन करता और एक भाई भजन भजन से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो भजन करता है ना, बोले बेकार क्यों बर्बाद समय कर रहे हो, ये माला लेकर क्या हरे कृष्ण दिन भर ठाकुर के सामने बैठे हो। अभी जो भजन करता है उसको तो पता भैया भजन में क्या मस्ती है, क्या भजन में आनंद है, क्या रस है, वही जानता है जो कृष्ण रस को जो पान करता है। और जो भजन नहीं करता उसको क्या पता भगवान का नाम में क्या महिमा। एक दिन जो भैया भजन करता है ना, एक दिन अपना गुरु जी को घर में बुलाया, बोले गुरु जी मेरे जो छोटे भैया है ना वो भजन नहीं करता, अब आओ हमारा घर में सत्संग करना और मेरे छोटे भैया को थोड़ा समझाना, वो भी भजन करे, दोनों मिलकर भजन करेंगे तो आनंद आएगा। गुरु जी ने बोले ठीक है। जब गुरु जी घर में आए ना, उसको पता चला, वो गुरु जी को बुलाया, वो समझ गया ये हमें समझाने के लिए कोशिश करेगा, भजन कर, अरे सत्संग में बैठूंगा तब तो मेरे समझाएगा, हमको बैठना नहीं सत्संग में। जब देखा गुरुजी आए ना, वो बात रूप में जाकर के अंदर से कुंडी बंद कर दिया, बोले मेरे को कथा में नहीं बैठना है, कुंडी बंद कर दिया। गुरुजी आए, कीर्तन किया, कथा किया, जब गुरुजी जा रहे थे बोले ये तो सत्संग में बैठा नहीं, कथा सुना ही नहीं, इसका कल्याण कैसे होगा। गुरुजी जाते समय दरवाजा खटखटाए, बोले बेटा दरवाजा खोल दो, बोले गुरुजी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, बोले बेटा एक बार खोलते दे। बड़े कष्ट से दरवाजा खोले, इतने में गुरुजी हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। उसने कहा मैं कृष्ण नहीं बोलता। बोले बेटा कृष्ण बोल ही दिया तुमने, कृष्ण ही बोल दिया। देख बेटा एक काम करियो, ये नाम को ना कभी बेचना नहीं, अगर इसको सेल नहीं करोगे इसी नाम से तेरे को भगवत प्राप्ति होगी। बोले ठीक है गुरुजी। कुछ दिन बाद में उसको मृत्यु हुई, अभी जमदूत पकड़ करके उसको ले गए जम महाराज के पास में। जम महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया है।
बोले महाराज जी ये तो जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किया, कोई पुण्य उसके जीवन में है नहीं, ये पाप ही पाप है। बोले ठीक से देखो, बोले इसका एक पुण्य है, इनके घर में इनके गुरु जी आए थे और इनको गुरु जी एक बार उसको बोले कृष्ण बोल, अपना गुरु जी की मुंह से उसने एक बार कृष्ण बोला, सुन करके कृष्ण बोला, और गुरु जी ने ये बताया था एक कृष्ण नाम से तेरे उधार होगा, लेकिन बेचना नहीं, उसने सेल नहीं किया, बेचा ही नहीं है, एक कृष्ण नाम उसने किया। इसको पूछा ये बताओ पहले पुण्य लोगे ना पाप लोगे, उसको याद आया गुरु जी ने कहा था एक कृष्ण नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी, उसने कहा मेरे को एक कृष्ण नाम का फल पहले दो, फिर पाप तो मेरे को जाना नरक है कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य का फल मेरे को दे। अभी जब महाराज भागवत को खोले, एक कृष्ण नाम का क्या फल है, उसमें लिखा हुआ था बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिर्नत्वात नाम नामिनो। भागवत में लिखा हुआ है बोले नाम चिंतामणि, भगवान को जो नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही नाम से मिलता है, और भगवान का जो नाम साक्षात कृष्ण है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये साक्षात चेतनता स्वरूप साक्षात रस स्वरूप है, इसलिए अभिर्नत्वात नाम नामिन, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। अभी जब महाराज चिंता में पड़ गए, ये कह रहे हैं भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, फिर अगर एक कृष्ण नाम का फल दो, अगर भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके, जगत में भगवान की बराबर कुछ है, भगवान की बराबर जगत में कुछ हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब महाराज का बुद्धि तो काम नहीं किया, बोले भैया मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, चलो ब्रह्मा जी को पास में जाकर पूछेंगे। बोले भैया चलो ब्रह्मा जी को पास चलते हैं, वो जो पाप था ना उसने कहा भैया मैं चल करके नहीं जाऊंगा, अगर जाना तो मेरे लिए पालकी मंगवाओ और मेरे को बैठाओ और ले चलो। अभी जब महाराज चित्रगुप्त फंस गए, पालकी मंगवाए और उसको पालकी में बैठाए, और एक तरफ में जम और एक तरफ चित्रगुप्त ब्रह्मलोक में ले जा रहे। ब्रह्मा दूर से देखा, बोले भैया ये महात्मा कौन है जिसको स्वयं चित्रगुप्त और जम भी कंधे पर ला रहे हैं। उन्होंने आरती का थाली लेकर के, फूल की माला लेकर के वहां पर इंतजार किया, ये महासौभाग्यवान कौन है, इनको आरती उतारना। जब वहां लेकर के पहुंचे, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है आप स्वयं कंधे पर लाए। बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले पापात्मा? बोले हाँ। बोले ये कंधे पर क्यों लाए हो? बोले ऐसे ऐसे बात हमको फंसा दिया उसने, वो एक कृष्ण नाम का फल मांग रहा है, हम सारा ग्रंथ ढूंढ लिए एक ही बात मिला हरि से बड़ा हरि का नाम। बोले आप ही बताओ शुद्ध साधु के मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुनकर के जो बोले क्या फल, आप ही बताओ। ब्रह्मा भी सारे वेद को ढूंढे, सारे पुराण को उपनिषद को ढूंढे, ढूंढे ढूंढे उनको भी एक ही बात मिला है, क्या बात मिला, भगवान से भी बढ़कर उनका नाम है मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगला नाम, ये मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल, और जितने सारे शास्त्र का निचोड़ भगवान का नाम। किसी तरह से अगर कोई नाम लेता है अशेष अगहरम विदु, सारे पाप को नष्ट कर देता है ठाकुर का नाम। ब्रह्मा का बुद्धि भी काम नहीं किया, ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक ही बात कह रहा है हम क्या करें। बोले भैया चलो शंकर जी के पास में, शंकर जी पांच सर वाले, हाँ शंकर जी, और शंकर जी वैष्णव नाम जथासंभु, वैष्णव में अग्रगण्य, चलो शंकर जी के पास में। बोले भैया चलो कैलाश। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, कंधे पर ले चलो। ब्रह्मा भी कंधे ले गए। तीनों जब कैलाश लोक में पहुंचे, शंकर पार्वती दूर से जब देखा, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको स्वयं ब्रह्मा और स्वयं जम और चित्रगुप्त ला रहे हैं। शंकर पार्वती भी थाली सजाए, आरती की थाली सजा करके वहां पर भी इंतजार किए।
बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन? बोले पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा है। बोले फिर क्यों फिर लेकर के आए? बोले ऐसे ऐसे बात, आप ही बताओ आपका नाम का क्या महिमा है शंकर जी, आप ही बताओ। शंकर भी ढूंढे, उनको भी यही चीज मिली है, उनको भी एक ही बात मिला। बोले एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापी रस साध्य नाही तत पाप करे। मतलब है एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, इतने पाप को नष्ट करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। एक कृष्ण नाम में इतने फल है। शंकर जी का बुद्धि भी काम नहीं किया, बोले भैया जिसका नाम उसको पास में चलो, वही बताएंगे। चलो कृष्ण को पास में ले चलते, उसको बोले चलो, बोले ऐसे नहीं कंधे कंधे लगाओ। शंकर भी कंधे लगा, ब्रह्मा भी। जब भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, भगवान कृष्ण ने कहा भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसका आप लोग स्वयं कंधे पर ला रहे हो? बोले प्रभु जी ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा, आपका किसी सदगुरु से, कोई शुद्ध साधु का मुंह से एक कृष्ण नाम सुना, उसने कहा बेचोगे नहीं तो मुक्ति मिलेगी, ये कह रहा है उसका फल दो। हम तो सारे शास्त्र ढूंढ लिया, हर शास्त्र में कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है। ठाकुर जी आप ही बताओ आपका नाम का क्या महिमा, अगर कोई साधु से सुन करके बोला तो। बोले उसको लेकर के आ। जब उसको लेकर के आए ना, ठाकुर जी अपना गोद में बैठाए, उन्होंने अपना ठाकुर जी गोद में बैठाए। बोले प्रभु बताओ ना। बोले क्या बता, ही तो है। बोले एक कृष्ण नाम जो साधु का मुंह से करके सुन कर करता है, जिनको स्वयं चित्रगुप्त, जिनको स्वयं जम महाराज, जिनको स्वयं ब्रह्मा जी, जिनको स्वयं शंकर भी कंधे पर लगा पालकी पर बैठा करके उनको गोलोक वृंदावन में ले आते हैं, और उसका स्थान क्या होता है? मेरा गोद उसका स्थान है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इतने नाम की महिमा है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान भी स्वयं अपना नाम की जो महिमा है, ठाकुर भी महिमा नहीं गा पाते, इतने ठाकुर के नाम की महिमा, इतना ठाकुर जी का नाम है। इसलिए गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे बीज है ना, जैसे बीज को अब खेती में बोते हो, जैसे गेहूं हो धान हो अब खेती में बोते हो, हैं? जब खेती में बोओगे वो बीज देखना, कोई उल्टा पड़ता है, कोई सीधा पड़ता है, कोई इधर गिरता है, इधर गिरेगा बीज खेती में इधर उधर गिरेगा। लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है देखे कि नहीं? जब पेड़ होता है कैसे होता है? वो पेड़ सीधा होगा। लेकिन भले ही बीज को फेंकते है ना, देखना गेहूं फेंकते हैं, लगाया कि नहीं कहीं खेती को, भले ही जैसे गिरे लेकिन पेड़ कैसे उठेगा? वो सीधा आएगा। कहते तो उसी तरह भगवान की जो नाम है, अगर किसी तरह से भगवान का नाम किसी तरह से ले लो, लेकिन जब निकलेगा ना वो सीधा निकलेगा, वो सीधा पेड़ सीधा निकलेगा। इतने भगवान के नाम की महिमा है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हाँ, आज कुछ भक्त लोगों ने नाम की महिमा, कुछ कुछ कल भक्त लोगों ने नाम की महिमा बोले है, इसलिए आज कुछ भक्त लोग, आज भी कुछ भक्त लोग बोलेंगे। प्रभु जी आप बोलो, खड़े हो जाओ, थोड़ी थोड़ी बोलना, उनको माइक दे दो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तनिरंधस्य ज्ञान ज्ञान शलाकये चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप गदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छते सतानी। सर्वप्रथम मैं हिंदी में कहूँगा, अच्छा हिंदी में बोलो तो अंग्रेजी में बोलो सब समझेंगे, अंग्रेजी अगर बोल सकते हो अंग्रेजी में। अच्छा ठीक है बोलो।
नहीं तो डज में सुना। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ महाराज के कि अपना ऐसा कीमती समय निकाल कर हमें को दो चार मिनट का मौका दिया कुछ कहे के। ये कल रात्रि को दमोदर के घर है 9-10 बजे रात के महाराज पूछा कुछ कहने के ये ओंदर वाला फैकी या कैसे हम लोग ये समय में ये कल युग में कैसे सबसे सहज सिस्टम है कि कृष्ण भक्ति पाई सके। इसे कहने से पहले मैं विजय प्रभु और प्रशाना माता को हार्दिक से धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना सबके निमंत्रण देकर अनाज से ये सालों से करता है इतना इसको लोग के प्रेम प्यार है कि हम लोग के अपना प्रेम प्यार मानते हैं कि सबको एक यहाँ बुलाकर ये पार्क में ऐसा चीज बनाया। बहुत धन्यवाद प्रभु आप लोग के मालिक आप लोग के कृपा करें। हाँ तो कैसे हम लोग सहज से भगवान कृष्ण भक्ति पा सकते हैं। देखो काल और परसों दो रोज मैं सुना गुरु महाराज के इसमें तो सब चीज बोल दिया कैसे पा सकते हो। फिर भी कृष्ण भगवान खुद आया 5,000 बरिस पहले और खुद दे गया कि कैसे हम लोग, क्योंकि वो हम लोग के पिता है, हम लोग के सुपर पिता है, सबसे बड़का भगवान वही हम लोग के एवक पिता है, जन्म जन्म के पिता वो भगवान है। ये तो यहाँ हम लोग के तो पिता रहता है, ये तो आयल जाल करल है करे हैगा। लोग भी कहते हैं कि काहे के कृष्णा, हम लोग तो यहाँ अच्छा से रहते हैं, सब कोई चाहे कोई मालिक के नाम भी ना ले हुए तो वो भी खाता कमाता है, अच्छा से जीता है, उसका भी कार है, उसका भी घर द्वार है, उसका भी सब चीज है, औरत लड़कन सब चीज हैगा, वो भी अच्छा से जीता है, तो क्यों हम लोग कृष्णा मालिक के नाम लो। बात यही हैगा और लोग विश्वास भी नहीं करते कि भगवान है कि ना है। लोग कहते दिखा दो भगवान के मुझे तो मैं विश्वास कर लूँ भगवान है कि ना। मैं छोटा में कह दूंगा कि हैगा भगवान। देखो हम लोग तो कहते हैं भगवान ये सब चीज़ बनाए, ना खाली बल्कि यूनिवर्स सब चीज़ बनाए भगवान, ये सब भगवान के, हम लोग सब कोई भगवान के ना क्या बनाए। अब भगवान के दिखावे के सोचो जो हम लोग ये देश के राजा प्रिंस कौन है अलेक्जेंडर, उसे बुलाओ यहाँ पार्क में 5 मिनट कुछ कथा सुने के, वो आएगा? वो नहीं आएगा, उसका वो टाइम नहीं, वो नहीं आएगा। वो तो प्रेम कौन है अलेक्जेंडर है जो हम लोग की तरह वो इंसान है, आज है क्या ना है, वह बीमारी पकड़ेगा, वह बुराएगा, वह मरेगा। जब कृष्ण के बारे में कृष्ण हमें दिखा दे तो उसे वो वैज्ञानिक आदमी ये बात कहते हैं, क्योंकि आप जानो कृष्ण के हैगा, कौन है कृष्ण। एक छोटा उदाहरण से मैं बता दूंगा कृष्ण के हैगा। देखो ये जो सूर्य सूरज, इसके भीतर में अंदर में 15 मिलियन डिग्री जरे है, इसके बाहर 5 मिलियन डिग्री है। ये तो दशा कृष्ण वो आदमी है, वो चीज है जो ये सूर्य में जाकर अब बाहर आ जा सकता है। उसने बनाया ये सूर्य को, हम लोग इसका नगीचे जा सकते हो कि नहीं, हम तो गल जाएगा। तो वो उतना बड़ा आदमी आवे हमरा आगे दिखावे कि वो है कि नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर भी कैसे हम लोग सहज में भक्ति पा सकते हो, ये कृष्ण 5,000 बरिस पहले भागवत गीता हम लोग के दिया है, एक पुस्तक 700 श्लोक, 2-4 श्लोक जो अच्छा से समझ जाओ, अच्छा में उनमें घुस जाए तो उसे भी कृष्ण पा सकते। इतना सहज हम लोग खाते कलयुग में भगवान कर दिया, क्योंकि हम लोग भगवान के लड़का है, भगवान के बच्चा हम सबको है आत्मा बाती ले। वो एक श्लोक इसमें कहा है याना कांतो 9:26 उसमें कहा है कृष्ण सोचे पड़ेगा ना, उसमें कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ना, पत्रम पुष्पम फलम तो ये इतना एगो पत्ता एगो फूल थोड़ा पानी भगवान के दे दो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, उसे हमें दे दो हम प्रसन्न हो जाएंगे। ये कितना चीज मानते हैं, थोड़ा चीज से जब भगवान के आप प्रसन्न कर ले लो तब भगवान पाएगा। इतना सहज कर दिया कल युग में। दूसर युग में लोगों जो 100,000 बरिस जीते से सच युग में तो उसमें से 90,000 बरिस तपस्या करने पड़ेगा, हम लोग कहीं हम लोग कितना जीते हैं, 100 बरिस जहाँ कर लो तो बहुत ज़्यादा है।
ओमा से सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम, तो ये कृष्णा बोला इससे, यही एक श्लोक से यही काम आप चौबीसों घंटा देख, जय प्रतिशत भगवान के दियो उतना प्रतिशत भगवान आपके देगा। आप जो 10% 24 घंटा है गया, उनमें से 2 घंटा दिया तो कई प्रतिशत तो कुछ ना, 10-20% दिया तो भगवान भी 10-20% देगा। लेकिन आप ऐसे भगवान पाए, ये तो कृष्ण भगवान 5000 बरिस पहले आई के बोल रहे, वो फिर आया 500 बरिस पहले चैतन्य महाप्रभु, और वो भी कुछ कह गया, हरे नाम केवलम कलो नास्ती कलो नास्ती, हरि नाम से सब चीज पाई सके, भगवान के पाई सके, ये छोटा चीज नहीं, ये बहुत सस्ता बात है, कुछ ना करे के सिर्फ हरि नाम से पाई सके, के ना हरि नाम बोल पाए, सब कोई हरि नाम बोल सके, मने मन बोलो, जोर से बोलो, चाहे जैसे बोलो, चैतन्य महाप्रभु अच्छा से दिखा गया है कि कैसे बोल सकते हो हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु वो ना मायापुर में आए थे, जन्म दिया हुआ, और वो कौन है चैतन्य महाप्रभु, ना राधा और कृष्ण एक में, राधा है क्या उकर प्रेम प्यार, लिफ्ट जो जी बोले भगवान के लिए जो राधा, हम लोग के बड़ी अच्छा से दिखाई है राधे, हम लोग के बहुत अच्छा से, हम लोग के माता है क्या, सारा सृष्टि के माता हुआ, सारा मंडल के माता हुआ, सबके माता हुआ, वो हम लोग के दिखाई से क्या कि देखो प्रेम प्यार से कैसे कृष्ण के पाई सके। कृष्ण बहुत चीज ना मांगे, वो मांगे के तुम्हारा भक्ति और तुम्हारा प्रेम प्यार, आपके पैसा नहीं मांगते, आपके घर द्वार नहीं मांगते, आपके कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्रेम प्यार, वैसे वैसे हम लोग की कलयुग में भगवान के पाई सकेगा। वो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे बता दीजिए, अब फिर इधर ओकरे बाद भी कई जाने देखो 40-50 वर्ष पहले नारायण महाराज, वो बताए से ही चीज कि भगवान के नाम प्रचार करो, भगवान के नाम 24 घंटा ले, भगवान लगे पहुंच जाइए, ऐसे और सहज कुछ ना हो सके। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, इताई गौर ब्रह्मानंद हरे। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदंतिकम्। First and foremost, I offer my respectful, humble obeisances to the lotus feet of my preferred spiritual master, Om Vishnupad Paramahansa Swami Ashtotra Sata Sri Srimad Govinda Goswami Maharaj, and also to the Srila Param Gurudev, Om Vishnupad Paramahansa Swami Ashtotra Sata Sri Srimad Abhay Charana Ravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Furthermore, I offer my respectful obeisances to all our gurus in our Rupanuga Guru Varga line, to Pujapad Sripad Bhaktivedanta Srida Maharaj, all the Vaishnavas and Vaishnavis who have assembled here, and also all the respected guests. So Maharaji requested me to speak something, and it continues from the last few days. So in Prema Vivarta, which has been composed by Sri Jagadananda Pandit, who is a Gaura Priyajana, a dear associate of Sriman Mahaprabhu, it is mentioned Sadhu Sangha Krishna Naam Ei Matra Chai Samsara Ji Nityar Kona Vastu Nai. So here it is described the desires of Sriman Mahaprabhu. He says Ei Matra Chai, I desire alone Sadhu Sangha and Krishna Naam. So in this combination, that is what Sriman Mahaprabhu desires. And he says that there is no other way in this dreadful ocean of material existence to get free from. So in this regard, Srila Bhakti Rakshak Sridadeva Goswami Maharaj, he comments that this is the most important combination of all the limbs of bhakti. We should do this Sadhu Sangha in combination with Krishna Naam. And then he further comments on this. There's one other verse mentioned, several verses in Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, Sadhu Sangha Nam Kirtan Bhagavat Sravana Maturva Sri Murtira Shradaya Sevana. So then it mentioned below that it is mentioned
sakala sadhana shrishta ehi pancha anga. So there are five limbs of bhakti, and that is described by Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. He mentioned there, you have sadhu sangha as the first limb, which is important, because it is said, sakala sadhana shrishta. Shrishta means topmost. So these five, sadhu sangha nam kirtan, sadhu sangha association of sadhu. Then nam kirtan, which means chanting in the form of a group. So sankirtan, or chanting on your japa beads, which is the second. Then bhagavat shravan, which means that you hear or study under the guidance of a bona fide spiritual master. You study the scriptures of pure devotion. Then the fourth is Mathura Vas, which means that you recite in a holy place, like Mathura Dham, Sri Vrindavan Dham, Navadip Dham, etc. Then there is Sri Murtira Shradaya Sevan. So you should faithfully do the archan, worship the Lord's deity. So then one may ask, okay, I don't have any installed deities at home and I cannot go to Mathura because I have my obligations here in the Netherlands or wherever you may be. Then it is actually the solution to all these five angas, to perform all these five angas, is to take shelter of a Sri Guru, because under his guidance you can do sadhu sangha, you can do nam kirtan, because he gives you the mantra, because then it is empowered and then you can make fast progress. Then there is Bhagavat Shravan under his guidance. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he denotes here that we should not study the Shastras ourselves. We should always do it under the guidance of a Sadguru, because then we come to the right conclusion. Then Mathura Vas. So wherever a Sadguru is present, actually all the times, all the Tirthas are present there. So as Maharaj ji several times mentioned, wherever a Sadguru is present, a Sadhu, a Vaishnava, exalted devotee of the Lord, then there is also all the Tirthas are also present there. And then doing archan, faithfully worshipping the Lord's deity, actually Sri Guru is Krishna Kripa Sri Murti. So he is the embodiment of Krishna's mercy. You can perceive it as such, that Krishna's mercy is always roaming in the sky, but as long as it is not condensed, it remains in the sky. So whenever it becomes more and more condensed, then it showers like rain coming from the clouds. It showers down to down upon us. And this material world is compared to a forest fire, a blazing forest fire. So whenever Sri Guru comes in this condensed form as Krishna Kripa Sri Murti, then we get delighted from this situation here. And whenever we follow these five angas of bhakti, then we will definitely, surely, attain the lotus feet of Krishna in this lifetime. Okay, thank you for your attention. Much love to this. Happy Pasadena. Jai Hari Nam Sankirtan Ki. हाँ देखो भक्ति का अंग बताया 64 भक्ति का अंग है. कहते हैं 64 भक्ति अंग को सार रूप में फिर 9 भक्ति का अंग बताया. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनं, वंदनं, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन. ये 64 भक्ति अंग का सार रूप में ये 9 को लिया. फिर ये 9 को फिर 5 रूप, सार रूप में 5 लिया वो बच्चा ने जो बताया. फिर वो 5 को फिर 3 रूप में लिया, श्रवण, कीर्तन और स्मरण. ये 3 भक्ति के लिया. और 3 भक्तों में और जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति अंग बताया वो एक है, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अगर कोई ये भक्ति अंग नहीं याजन कर सकता है, केवल एक अगर कीर्तन अगर कर लिया, तो महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. भगवान का जो नाम कीर्तन है सर्वश्रेष्ठ रूप में, भगवान का नाम की जय जयकार हो भगवान के नाम की. इसलिए सकल साधन अंग एक, हाँ कहते उसमें जो नाम, ये नाम संकीर्तन, कहते नाम संकीर्तन के द्वारा सारे भक्ति का अंग अपने आप जाजन हो जाता है. इसलिए भगवान का नाम को हमें चलते उठते बैठते सोते हर समय भगवान का नाम हमें जप करनी चाहिए. शशिकला दीदी इधर आ जाओ जल्दी आओ.
ممكن بهذا الكلمة؟ اخي 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 اخي